नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र की, जिसका मूल प्रश्न है कि क्या व्यक्ति की दृष्टि काल की मोटी परतों को भेदकर भविष्य को देख सकती है। क्या किसी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है कि आज से 10 साल 20 साल बाद कोई व्यक्ति कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, क्या उसकी पोस्ट होगी, कैसा उसका बुढ़ापा होगा, कितना उसके पास में पैसा होगा, और इससे संबंधित हम शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दो प्रमुख आते हैं, ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान। इसके साथ में ही अंक विज्ञान, नाम राशि शास्त्र भी इससे संबंधित है, जिसके लिए हमने ये नई सीरीज प्रारंभ की है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। वैसे अभी इसके कुछ ही वीडियो आए हैं, लेकिन जो मित्रों की बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया हुआ है, लाइकिंग भी काफ़ी आई है और इसके बाद में ये वीडियो पसंद किए जा रहे हैं। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि इन चीज़ों में और भी जो गहरी और बारीक से बारीक जानकारियाँ हैं वो आपसे शेयर की जाए, ताकि संपूर्ण जीवन और हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व को समझ सकें। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए कि उन चीज़ों को जानना, उन चीज़ों को समझना जो बिल्कुल अज्ञात हैं, जो काल की मोटी परतों के पीछे छुपी हुई हैं, जिन्हें प्रकृति संकेतों के माध्यम से व्यक्त करती है, उन संकेतों को पकड़ना ही अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोमांचक है। हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हर किसी के परिवार से, उसके दोस्तों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये नई सीरीज जो है ये हमने शुरू की है। और आप लोगों को यदि इसी तरह पसंद आती रही तो इस सीरीज़ को काफ़ी आगे तक बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी लाइकिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर इसको शेयर करें। तो हम जो बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो मूलांक की और मूल ग्रह की बात कर रहे थे कि अंक शास्त्र के हिसाब से मूलांक क्या होता है, मूल ग्रह क्या होता है। इस पर पिछले दो वीडियो हैं, ये आप जरूर देखें तो उसमें आपके उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि हर नए वीडियो में पिछली बातों को रिपीट कर पाना संभव नहीं है, वरना सारा का सारा टाइम उसमें चला जाता है। यहाँ पर बात केवल इतनी ही है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो उसका मूलांक जो है वो 1 होता है। और मूलांक 1 ऐसे होता है क्योंकि 1 तारीख से तो 1 होता ही है, लेकिन जैसे ये 10 है तो इसमें 1 और 0 को हम प्लस कर देंगे तो भी 1 ही आएगा। इसी तरह 9 और 1 को जोड़ेंगे तो भी 10 होगा, और फिर 10 में 1 और 0 को फिर से जोड़ेंगे तो भी 1 होगा। इसी तरह 8 और 2 ये भी 10 होते हैं, और 10 में फिर 1 और 0 को जोड़ते हैं, तो इस तरह से हम मूलांक निकालते हैं। सीधी सी बात यह है कि यदि आपका जन्म या आपके दायरे में, आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का जन्म महीने की, किसी भी महीने की, कौन सा साल है, कौन सा महीना है, उससे मतलब नहीं, यदि डेट ऑफ बर्थ यानी हैप्पी बर्थडे 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पड़ता है, तो उस व्यक्ति का मूलांक 1 है। और उस व्यक्ति का मूल ग्रह जो है ये सूर्य है, वो व्यक्ति सूर्य से शासित है। सूर्य जो है उस व्यक्ति के सारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी सारी एनर्जी को उसमें ट्रांसफर करेगा, उसका सारा व्यक्तित्व, कृतित्व और जो प्रवृत्तियां हैं वो उसी हिसाब से ढलना शुरू हो जाएंगी। हालांकि एक मूल ग्रह के अतिरिक्त अन्य भी जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम पर असर डालते हैं, लेकिन मूल ग्रह जो होता है वो व्यक्ति पर असर डालता ही है, चाहे थोड़ा कम चाहे थोड़ा ज्यादा, कितने परसेंट डालता है ये अलग बात है, लेकिन डालेगा ही। आपके व्यक्तित्व के निर्धारण में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम बात कर रहे हैं सूर्य की, और वैसे भी सूर्य जो है ये ग्रहों का राजा होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह था इसके हिसाब से भी और सरकारी नौकरियों के हिसाब से भी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो पिछला वीडियो जो था ये भी सूर्य ग्रह का ही था, और अब हम इस सूर्य ग्रह से संबंधित, ये इसका पार्ट 2 है। तो पिछले वीडियो में हम सूर्य ग्रह से संबंधित व्यक्ति की सारी पॉजिटिव चीजों की, उसके सद्गुणों की चर्चा कर चुके थे कि उसमें क्या क्या चीजें होंगी। पिछला वीडियो इससे संबंधित, यदि आप 1 अंक को जानना चाहते हैं उससे संबंधित व्यक्ति को, तो जरूर देखें। यहाँ पर इन शॉर्ट में ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इस तरह का जो व्यक्ति होता है जिसका मूलांक 1 होता है,
उसमें स्वाभिमान जो होता है ये कूट कूट करके भरा होता है, बहुत आत्मसम्मानी होता है, झुकना पसंद नहीं करता है, उसके अंदर दृढ़ता है, जिद है, कठोर परिश्रम है, मेहनत है, लगन है, ये सारी चीजें बहुत अधिक होती हैं। उसके बाद में वो हमेशा लक्ष्य युक्त जीवन ही जीता है, लक्ष्यहीन जीवन जीना उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसमें नेतृत्व का गुण होता है, वो बहुत अच्छा नेतृत्व करता होता है, योजनाएं बनाने में और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुत कुशल होता है, और इसके साथ में उसमें मौलिकता होती है। किसी भी चीज को वो फॉलो कभी नहीं करता है, उसकी अपनी एक खुद की धारा होती है, तो इस तरह की, और एक आत्मलीन होता है, तो वो अपने अनुशासन अपने डिसिप्लिन में ही वो अपना जीवन जीना पसंद करता है। तो ये उसके सद्गुण थे जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं, और इससे आगे की बात ये कि ऐसे व्यक्तियों में नेगेटिव क्या आता है, नकारात्मक क्या चीज आती है। तो नकारात्मक देखिए, जीवन में कुछ नहीं होता, जो सद्गुण है, सद्गुण ही यदि आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तो वो भी एक तरह से नकारात्मक हो जाता है। सूर्य शासित व्यक्ति के जो सद्गुण हैं वो यदि अति में चले जाते हैं तो फिर वो नकारात्मक हो जाते हैं। जैसे नीति शास्त्र में कहा गया है कि अति ही हर जगह वर्जित है, अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, तो अति जो है वो नकारात्मक हो जाती है। कहा जाता है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। तो ना तो आवश्यकता से ज्यादा बरसात हो जाए तो भी बाढ़ वगैरह की स्थिति होगी, बुरी है। बरसात ना हो, धूप ही धूप पड़े तो भी सूखा पड़ जाएगा, बुरा है। बिल्कुल चुप रहे व्यक्ति, कुछ भी ना बोले तो भी बुरा, और इतना ज्यादा बोलता रहे कि लोग फेंकू वेकू कहने लगे, जैसा कि कुछ नेताओं को कहा जाता है, तो वो भी ठीक नहीं होता है। तो इसलिए अति जो होती है बुरी होती है। अब सूर्य प्रधान व्यक्ति में अति में क्या चीज चली जाती है, जैसे कहते हैं सूर्य प्रधान व्यक्ति है तो उसके अंदर आत्मसम्मान स्वाभिमान कूट कूट करके भरा रहता है। अब ये चीज थोड़ी और अधिक कूट गई तो फिर वो आत्मसम्मान और स्वाभिमान न रहकर अहंकार हो जाता है, ईगो हो जाता है। ऐसा व्यक्ति के अहंकारी होने की यदि सूर्य प्रबल होता है, अब इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा, कि हमारे हाथ में हमारी कुंडली में ग्रह की जो है तीन स्थिति होती है। एक तो ये कि हमारा ग्रह है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, दूसरी बात ये कि ग्रह है लेकिन वो अच्छा एक्टिव है, सारे सद्गुणों को दे रहा है, और तीसरी बात ये कि कोई ग्रह है ये ओवर एक्टिव है। तो ओवर एक्टिव हो जाना, ओवर स्मार्ट हो जाना, ओवर इंटेलिजेंट हो जाना भी बड़ा घातक होता है। ओवर तो किसी चीज में अति लगनी ही नहीं चाहिए। जैसे कि हम हाथ की बात करते हैं तो ये हमारी अनामिका उंगली आती है, अनामिका उंगली के नीचे का जो पर्वत है ये हमारा सूर्य पर्वत आता है, तो ये सूर्य पर्वत का क्षेत्र है। ये जो गोला किया हुआ है, ये जो हमारी तीसरी उंगली है, अपोलो फिंगर अनामिका उंगली, इसके नीचे का ये जो क्षेत्र है ये सूर्य का क्षेत्र है। तो इस पर्वत को देख करके ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति का सूर्य जो है कितना एक्टिव है। तो जरूरी नहीं है कि मूल ग्रह हो, क्योंकि दो तीन ग्रह हमारे हाथ में बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, दो तीन ग्रह होते हैं जो अच्छे नहीं भी होते हैं, तो उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये चीज यहाँ पर देखी जाती है। कुंडली में भी देखने के लिए ग्रहों की अपनी डिग्री होती है कि वो कितनी डिग्री में है, यानी कितने परसेंट आप में असर डालेगा। तो तीन स्थितियां होती हैं, जैसे हम हाथ की बात करें कि यदि ये बिल्कुल सपाट होता है, यदि ये वाला जो भाग होता है या ये वाला किसी भी ग्रह से संबंधित भाग दबा हुआ है या बिल्कुल सपाट है, इसका मतलब ये होता है कि वो ग्रह एक्टिव नहीं है, यानी उससे संबंधित सद्गुण व्यक्ति में नहीं आएंगे। दूसरी बात, वो स्थान सामान्य रूप से उभरा हुआ है। यदि आप इस हाथ में मेरे हाथ में देखें तो ये जैसे गुरु का जो क्षेत्र है या ये जो सूर्य के पास का क्षेत्र है सामान्य रूप से उभरा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस तरह के जो सद्गुण होते हैं वो व्यक्ति में आ जाते हैं। लेकिन यदि यही क्षेत्र असाधारण रूप से उभरा हुआ हो या ओवर डेवलप हो तो फिर वो जो है नकारात्मक चीजों को ज्यादा देता है। जैसे यदि आप इस हाथ में देखें तो ये जो क्षेत्र है शुक्र का क्षेत्र कहलाता है, ये इस हाथ में ओवर डेवलप है, ये जरूरत से ज्यादा फूला हुआ है ये जगह। तो जरूरत से ज्यादा फूली हुई होने का मतलब होगा कि शुक्र से संबंधित जो नकारात्मक चीजें हैं वो निश्चित रूप से मेरे जीवन में आएंगी और हैं भी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये देखा जाता है कि ग्रह की क्या स्थिति बनती है। तो नकारात्मक में यह है कि यदि सूर्य किसी का ओवर डेवलप है तो फिर उसमें व्यक्ति में अहंकार आ जाएगा, ईगो आ जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था, सूर्य प्रधान व्यक्ति की जो फीलिंग होती है वो ये होती है कि जानी जहां हम होते हैं वहां हम और सिर्फ हम ही होते हैं। तो ये अब हम होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि सामने वाला नहीं होता, तो ये भावना ज्यादा, सेल्फ रेस्पेक्ट तक बहुत अच्छी चीज होती है, स्वाभिमान तक बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जब वो अहंकार और इन दोनों के बीच में बाउंड्री इतनी बारीक होती है कि समझ में नहीं आता कि कब स्वाभिमान से आप अहंकार की दहलीज में चले जाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता, दूसरी बात करते हैं, नेतृत्व की क्षमता तो बहुत अच्छी होती है, नेतृत्व के गुण होते हैं, लेकिन सूर्य यदि ज्यादा तीव्र हो गया,
ओवर डेवलप हो गया तो फिर वो नेतृत्व जो है वो तानाशाही में बदल जाएगा, तो फिर इतिहास में ये जो इतने भयंकर तानाशाह क्रूर और ये जो इस तरह के राजा वगैरह हुए हैं, तो सूर्य जो है यदि ओवर एक्टिव हो गया तो फिर व्यक्ति जो है वो नेतृत्व क्षमता से तानाशाही में चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो फिर कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, किसी के अंडर में वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता। यदि कोई बॉस ऐसा मिल गया जो उसको टोका टाकी करता है तो फिर वो बिल्कुल नौकरी छोड़ देगा और घर पर ही बैठ जाएगा, भले उसके बाद उसको एक साल तक बेकार बैठा रहना पड़ जाए, लेकिन वो उसको नौकरी ऐसी चीज़ जहाँ उसको कोई बिल्कुल टोका टाकी ना करे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसमें नेगेटिव आ जाती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि सूर्य का संबंध सेल्फ रेस्पेक्ट से है, स्वाभिमान से है, बहुत गहरे तल पर जुड़ा हुआ है। तो यदि ऐसे व्यक्ति के स्वाभिमान को और प्रतिष्ठा को आघात लगे, स्वाभिमान की प्रतिष्ठा की हानि हो, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट की हानि होती है, तो फिर ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति तक जा सकता है। बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेशन में जा सकता है, बिल्कुल डिप्रेशन में जा सकता है, यहाँ तक कि वो किसी को गोली मार भी सकता है, किसी और अपने आत्महत्या भी कर सकता है, खुद को भी वो गोली मार सकता है। वो व्यक्ति कभी भी अपने प्रतिष्ठा की हानि को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन ये तब जब सूर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो की स्थिति आती है। वरना सूर्य जो है ये ग्रहों का राजा है, सबसे अच्छा है, और वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन लोगों का जन्म महीने में इनमें से किसी भी तारीख को हुआ है, क्योंकि सूर्य निश्चित रूप से आप में अपना कोई ना कोई असर डालेगा। सूर्य से संबंधित व्यक्ति विशिष्ट होता है, अलग हट करके होता है। तो ये चीज़ें आ गई इनकी नेगेटिविटी की। अब यदि बात की जाए कि सूर्य से संबंधित व्यक्ति में रोग कौन से होने की संभावना अधिक होती है, अब देखिए सूर्य का सीधा संबंध मस्तिष्क से है, मस्तिष्क से है, कठोर अनुशासन से है, डिसिप्लिन से है। तो ये दिमाग 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 जो होता है, तो उसकी वजह से मस्तिष्क से संबंधित रोगों की सबसे ज़्यादा उसको समस्या होगी या हो सकती है, जैसे तनाव का होना, सिर दर्द का होना, नसों में खिंचाव का होना। तो बहुत ज़्यादा यदि आदमी लक्ष्य को लेकर के सारी दुनिया छूट गई, ये हो गई, तो फिर कई ऐसे भी होते हैं कि नसों में इतना ज़्यादा खिंचाव होता है या अपने लक्ष्य में अपने काम में बिल्कुल इतना डूबता चला गया कि दिमाग की नसें ही फट गई। तो इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन इस तरह की जो मानसिक तो नहीं, मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होते हैं कि तनाव है, ये है, माइग्रेन है, सिर दर्द है, इससे संबंधित इसको रोग हो सकते हैं। दूसरी चीज़, सूर्य का सीधा संबंध आँख से है, तो आँखों पर यह बहुत ज़्यादा असर डालता है, यानी आँखों का कमज़ोर होना, बहुत छोटी सी उम्र में चश्मा लग जाना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं या और भी जो उससे संबंधित दिक्कतें हैं। और तीसरी बात, जब सिर में तनाव होता है, ये आँखों में प्रॉब्लम आती है। सिर का जो सीधा संबंध आता है वो हृदय के यानी हार्ट के फंक्शन से आता है भौतिक रूप से, तो यानी कि जो हार्ट का फंक्शन है वो व्यक्ति का बिगड़ सकता है, उसमें ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है, वॉल्व की समस्या होती है। तो यानी कुल मिलाकर के सूर्य जो सीधा असर शरीर के अंगों पर डालता है वो आपका मस्तिष्क हो गया, आंख हो गई और हार्ट हो गया। तो व्यक्ति को इनसे संबंधित रोगों की संभावना जो है ये बनी रहती हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सूर्य बहुत अधिक प्रबल है तो संभावना होती है इन रोगों के होने की। अब इंटरेस्टिंग बात करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रोमांच से भी संबंधित है और लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील भी रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित बात। तो यहाँ पहली बात तो ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि ऐसा नहीं है कि यदि आपको मूल ग्रह सूर्य है तो उसका संबंध ही गवर्नमेंट जॉब से है। हमारे हाथ में दो तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए आप बुध प्रधान व्यक्ति हैं, आपका मूल जो अंक है वो 5 है, या आप गुरु प्रधान व्यक्ति हैं, आपका जो मूल अंक है वो 3 है, तो इससे भी मतलब नहीं है। लेकिन इसके साथ में आपका सूर्य जो है ये भी प्रबल होता है या हो सकता है। हमारे हाथ में 2 या 3 ग्रह होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, तो सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गवर्नमेंट जॉब के दृष्टि से। तो यह तो आपकी कुंडली का यदि मूल ग्रह जो है वो सूर्य है तो वो सारा आपको उस दिशा में करेगा, और यदि मूल ग्रह नहीं है तो फिर आपकी कुंडली के अन्य जगहों पर जो उसमें खाने होते हैं, कुंडली की तो बात हम खैर बाद में करेंगे, लेकिन हाथ में जैसे कि हमारा ये सूर्य ग्रह का जो क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, सूर्य निर्णायक भूमिका निभाता है। यदि हम अपने हाथ की बात करते हैं तो हमारे हाथ में सूर्य का जो क्षेत्र माना गया है वो ये जो हमारी तीसरी उंगली होती है, यानी ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, अनामिका उंगली के ठीक नीचे का ये जो भाग है, और इस रेखा से जिसको हृदय रेखा कहते हैं, इस रेखा से ऊपर का, तो अनामिका से नीचे और हृदय रेखा से ऊपर का ये जो भाग है जिसको यहाँ पर ये गोला किया गया है, ये सूर्य
एक पर्वत का माना जाता है, सूर्य देव यहाँ पर विराजमान होते हैं, तो आपके हाथ में अनामिका की क्या स्थिति है, यानी सूर्य की उंगली की क्या स्थिति है, सूर्य पर्वत की क्या स्थिति है, और यहाँ पर एक रेखा होती है जो सूर्य रेखा कहलाती है, इन सब की बात हम आगे करेंगे, तो उसकी क्या स्थिति है, ये बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। एक बात एक लाइन की बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि सरकारी और प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने के लिए सूर्य का प्रबल होना नितांत आवश्यक है। जिस व्यक्ति का सूर्य दुर्बल है उसके हाथ में अन्य कितने भी अच्छे रेखाएं हो, उसका भाग्य कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, मस्तिष्क कितना भी प्रबल क्यों ना हो, स्मरण शक्ति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन यदि सूर्य दुर्बल है तो फिर गवर्नमेंट जॉब में बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। बड़ी मुश्किल से रेयर केस में ही व्यक्ति प्राप्त करे तो ही कर सकता है, और जितने भी लोग हैं जो उच्च पदों पर गवर्नमेंट में सरकारी नौकरियों में पदस्थ हैं उनमें एक चीज सब में कॉमन मिलती है, और वो सूर्य का प्रबल होना, सूर्य रेखा का प्रबल होना, सूर्य पर्वत का प्रबल होना, और मूल ग्रह कौन सा है वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन सूर्य का प्रबल होना ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक कि ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कई हस्तरेखाविद ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो तो सिर्फ सूर्य की उंगली, सूर्य के पर्वत, सूर्य रेखा को देखकर ही घोषणा कर देते हैं कि ये व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाएगा अथवा नहीं जाएगा। तो यदि आपकी मस्तिष्क भाग्य ये सब बहुत अच्छा भी है और सूर्य दुर्बल है तो बहुत उच्च प्रतिष्ठित पद तक व्यक्ति को वो कभी नहीं पहुँचने देता है, या व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर भी ले तो फिर बहुत छोटे स्तर की ही करता है। तो सूर्य जो है ये हमारे सरकारी गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें यह है कि यदि किसी का सूर्य दबा हुआ होता है या नहीं होता है तो फिर ऐसा भी नहीं है कि वो व्यक्ति निराश होता है, या ये होता है कि उसको सूर्य को एक्टिव करने के फिर जो दूसरे तरीके होते हैं उससे संबंधित कुछ उपाय होते हैं जो व्यक्ति को करने होते हैं, और उनके संबंधित जो हमारे इसमें हस्तरेखा में चलता है और ज्योतिष में चलता है रत्न होते हैं, तो हर ग्रह से संबंधित एक रत्न होता है जो उस एनर्जी को एक्टिव कर देता है। तो यदि सूर्य कमजोर है या सूर्य दबा हुआ है और बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, तो व्यक्ति को सूर्य से संबंधित उपाय निश्चित तौर पर कर लेने चाहिए जिससे उसकी वो सारी बाधाएं कट जाए। बात वैसी है कि आप एक 15 लाख की बढ़िया कार में और बिल्कुल हाईवे पर दनदनाते हुए चले जा रहे हैं और आगे एक पुल आता है, पुल बीच से टूटा हुआ है, तो कितना अच्छा हाईवे है, कितनी अच्छी कार है, उसका कोई मतलब नहीं है, या सामने पूरी सड़क ही कटी पड़ी हुई है और 10 फुट का गड्ढा पूरे सड़क में आ गया है, तो जब तक आप उस गड्ढे को भर नहीं देते हैं या उस पुल को बना नहीं देते हैं तब तक वो चीज वहां से आगे नहीं निकलेगी। तो यदि सूर्य से संबंधित रत्न की बात की जाती है तो इसका रत्न होता है माणिक्य, या माणिक भी इसको कहा जाता है, जो कि सोने की अंगूठी में धारण किया जाता है, और सूर्य की जो उंगली होती है वो बताया है, तीसरी उंगली होती है यानी कि ये अनामिका होती है, तो अनामिका में इस रत्न को धारण किया जाता है। यदि रत्न तो ये कोई वैसे ज्यादा महंगा नहीं आता, 1500 से मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन यदि सोने में धारण ना भी हो तो गोल्डन कलर की जो अंगूठी जो है वो किसी चीज की बनवा करके गोल्डन कलर जो सूर्य का कलर है उसमें इसको धारण किया जाता है। यहाँ रत्न से संबंधित भी एक बहुत महत्वपूर्ण है जो क्लियर होनी चाहिए कि लोग जो हैं जैसे जिनके पास में पैसा होता है वो बिजनेस में होते हैं, राजनीति में होते हैं, तो वो इनसे संबंधित उपाय भी बहुत करते हैं और बहुत महंगे भी रत्न जैसे पुखराज वगैरह हीरा है बहुत ज्यादा महंगा आता है, 1-2 लाख रुपए तक वो इस पर खर्च कर देते हैं। लेकिन रत्न से संबंधित एक कॉन्सेप्ट ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, धारण कर लीजिए कि यदि आपने सिर्फ रत्न को पहन लिया है और उसमें अंगूठी बना करके पहन लिया, आप उस तरफ ध्यान नहीं देते तो उसका भी जो असर है ये कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। असल में रत्न करता क्या है कि रत्न आपको उस ग्रह से कनेक्ट कर देगा, लेकिन वो सिर्फ कनेक्टिविटी देता है। जैसे कि हमने अपने घर की छत के ऊपर मान लीजिए टाटा स्काई लगा लिया है और उसका कनेक्शन अपने टीवी से कर लिया, तो वो टाटा स्काई के सारे चैनल से आपकी कनेक्टिविटी दे देगा, तो कनेक्टिविटी तो वो दे देता है लेकिन उसके अंदर की जो एनर्जी होती है उसके लिए भी दूसरा उपाय करना पड़ता है। सामान्यतः लोग रत्न तो धारण कर लेते हैं लेकिन उससे संबंधित फिर एक मंत्र भी होता है, तो रत्न धारण करने के साथ में आपको 10-15 मिनट इस बात के लिए निश्चित तौर पर देने पड़ेंगे प्रतिदिन कि आप उससे संबंधित मंत्र का जाप करें जिससे उसकी ऊर्जा जो है ये ऊर्जित होती रहे, वरना कुछ समय बाद वो असर खो देता है, और असर खो देता है तो इसका मतलब भी ये होता है कि फिर वो सिर्फ एक आभूषण बन करके रह जाता है, जो आपने उंगली में पहना है उसका असर आता नहीं, और लोग कहते हैं कि हमने इतना महंगा पहन लिया और कोई फर्क तो यार पड़ता नहीं है, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो रत्न को आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपने एक बढ़िया मोबाइल ले लिया, अब चाहे मोबाइल आपने 5000 का लिया हो
चाहे मोबाइल आपने 1 लाख का लिया हो लेकिन प्रतिदिन उसको चार्ज करना तो ये आपकी जरूरत है, उसको चार्जिंग पर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी उसकी बैटरी जो है, वरना उसकी बैटरी डिश हो जाएगी। तो 1 लाख का मोबाइल है तो ऐसा नहीं कि खरीद लिया, 6 महीने की फुर्सत हो गई, अभी तक तो ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है, तो उसको चार्जिंग पर लगाना पड़ता है। होता क्या है कि जब बैटरी डिश हो रही है और हमको इमरजेंसी होती है तो भी हम क्या कहते हैं, अरे यार हमारा मोबाइल 10 मिनट को चार्ज पर लगा दे, तो भाई 10 मिनट को ही सही, लेकिन उसकी बैटरी कुछ तो आए जो है, अब आप वैसे छोड़ दोगे बैटरी डिश हो जाती है। तो इस तरह से जो लोग रत्न धारण करते भी हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं या उससे संबंधित मंत्र का, दिन में आपको 10 मिनट उसके लिए 15 मिनट देने पड़ते हैं, तो उसका विधिवत मंत्र होता है और उसके माध्यम से उस ग्रह को एक्टिव कर लिया जाता है, उसकी एनर्जी से आपका एक कांटेक्ट बन जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते भी हैं और ऐसा होता भी है। तो ये सब एक एंटीना की तरह या टाटा स्काई वगैरह की तरह ये चीज़ें काम करती हैं। यदि कोई रत्न महंगा होता है तो फिर उसके अल्टरनेट भी आते हैं जो कि सस्ते होते हैं, मिल जाते हैं, जैसे माणिक्य का है, लालड़ी है, तांबड़ा है, सूर्यकांत मणि है, तो ये अल्टरनेट भी आते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क भी आ जाता है, फ़र्क भी असर में ये आ जाता है कि जैसे एक व्यक्ति 5 साल तक लगातार शुद्ध देशी घी से बनी हुई पूड़ी खा रहा है और एक व्यक्ति यदि आप क्या कहते हैं रिफाइंड ऑयल से बनी हुई पूड़ी खा रहे हैं तो फिर 5 साल में जो आपके शरीर में फर्क पड़ेगा वही पड़ता है, लेकिन भूखे रहने की अपेक्षा तो फिर ज्यादा बेटर है कि उसका अल्टरनेट भी धारण किया जा सकता है। 50% ही सही लेकिन वो असर करेगा, और जो मुख्य बात होती है कि मुख्य रत्न ही धारण करना चाहिए, अल्टरनेट यदि कोई बहुत महंगा ना हो तो वो करना भी नहीं चाहिए। तो सूर्य जो होता है ये गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्रतिष्ठित पद के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये प्रतिष्ठित पद आपको दिलवाता है। सूर्य कमजोर हो तो सूर्य का उपाय जरूर करना चाहिए। और इससे संबंधित एक अगली बात यह कि जो सूर्य प्रधान व्यक्ति होगा वो व्यवसाय में किसमें जाएगा या क्या किसमें करना चाहिए, वैसे तो सूर्य देव जब उसका ध्यान खींचेंगे तो उसका जो है ऑटोमेटिकली उन्हीं व्यवसायों की ओर उसका रुझान जाएगा, लेकिन सूर्य प्रधान व्यक्ति जो है इसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तो किसमें आएगा, नेतृत्व में आएगा, प्रतिष्ठा से संबंधित चीजों में आएगा। नेतृत्व और प्रतिष्ठा से संबंधित सबसे पहला जो होता है किस चीज में आएगी, तो नेतृत्व और प्रतिष्ठा जो है ये है राजनीति में, तो ऐसे लोगों का एक तो राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि हम राजनीति में उच्च पद को प्राप्त कर सके, जहां सारी कमांडिंग पावर जो है इनको कमांड चाहिए होती है, कमांडिंग पावर चाहिए होती है, तो कमांडिंग पावर हमको मिल सके। तो और दूसरी बात यदि पढ़ने लिखने में ज्ञान की रेखा अलग होती है, उसकी बात करेंगे, ज्ञान की रेखा है, पढ़ने लिखने का व्यक्ति बहुत शौकीन है, तो पढ़ने लिखने का यदि वो व्यक्ति शौकीन होगा तो फिर जो दूसरी उसकी सबसे पसंदीदा फील्ड होगी वो डेफिनेटली RAS IAS IPS लाल बत्ती गार्ड गनमैन और ये सब बिल्कुल तामझाम वाली उसको जॉब चाहिए है, मिलिट्री में ऑफिसर रैंक की जॉब चाहिए है, इस तरह की उसको जॉब नहीं चाहिए कि साहब SP साहब के बंगले के बाहर हम लाठी लेकर खड़े हैं, ना उसको खुद SP साहब बनना है, उसके बंगले के बाहर 4 लोग लाठी और बंदूक लेकर के खड़े हों, ये हों, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों का सबसे फेवरेट सेकेंड नंबर का रहता है, और तीसरा आध्यात्म धर्म, धर्मगुरु बनना भी बड़े चार्म वाली बात होती है, समय उतना है नहीं वरना अपन आगे भी इस पर बात करते कि उसमें भी सारी कमांडिंग पावर तो होती है ना, वहां आपको कौन रिटायर कर रहा है, वहां कौन आपको वोट दे रहा है, तो जब तक आप जीवित हैं आपकी जो सत्ता है वो अपरिमित रूप से चलती रहेगी, आप कहीं के मठाधीश हैं या कुछ हैं, तो इस तरह में आध्यात्म भी जो होता है ये इससे संबंधित इनका क्षेत्र होता है। तो राजनीति, प्रशासन, आध्यात्म, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग है। प्राइवेट सेक्टर में भी व्यक्ति जा सकता है, साइंस के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी उसको बहुत बड़ी कंपनी का बिल्कुल मैनेजिंग डायरेक्टर या इस तरह की जॉब, यानी महत्वाकांक्षा आप समझ लीजिए एक लाइन की चीज है, वो आएगी, कोई भी ऐसी जॉब जिसमें उसको कमांडिंग पावर मिले, उसके अंडर में 50 लोग काम करने वाले हों, उसको ज्यादा टोका टाकी ना की जाए, ऐसी जॉब को वो पसंद करेगा। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मनोरंजन की दुनिया में भी वो जा सकता है, नेम फेम वहां पर भी बहुत होता है, हीरो हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, यानी कुल मिलाकर के मेडिसिन के फील्ड में भी जा सकता है। एक लाइन की बात यह है कि कमांडिंग पावर चाहिए है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, आखिरी में हम करते हैं कि यदि एक मूलांक से संबंधित, ये चीज़ें उदाहरण के बिना समझ में नहीं आती हैं और किसी को भी इन चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के माध्यम से उनकी पर्सनालिटी को भी जानने की कोशिश करेंगे, तो इसको व्यक्तिगत लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या था क्या नहीं था। यदि इस मूलांक के व्यक्तियों की बात करें तो 2 नाम बहुत प्यारे हमारे पास में आते हैं। एक आता है इंदिरा गांधी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ होती है यह है 19 नवंबर 1917। दूसरे हैं भगत सिंह, इनकी है 28 सितंबर 1907, यानी इन दोनों के मूलांक जो है वो 1 हैं।
अब इससे आप इनकी पर्सनालिटी को देखिए, यदि ये दोनों वीडियो आपने ढंग से देखे हैं तो यदि इनमें आप कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो पहली चीज़ क्या हुई, पहली चीज़ तो बिल्कुल सीधा तना हुआ जो बिल्कुल नहीं झुकेगा, जिसको कोई झुका ही नहीं सकता। ना तो भगत सिंह को पूरी ब्रिटानी हुकूमत मिल करके झुका पाई और ना इंदिरा गांधी ने जिस समय 71 में युद्ध किया था और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके इधर बांग्लादेश बना दिया था, उस समय अमेरिका से लेकर के पूरी पाश्चात्य जगत उनको नहीं झुका पाया। तो झुकने वाला कोई कॉलम जैसा था इसमें नहीं होता है। नेतृत्व गुण की जो से बात की तो दोनों ही जो थे इन लोगों में नेतृत्व गुण भी हुआ करते थे। तो इस तरह के आप आगे भी देखेंगे, समय उतना है नहीं कि जो भी होगा कि मौलिकता की आप बात कर लीजिए, योजना की आप बात कर लीजिए। भगत सिंह के भी विचार बिल्कुल मौलिक हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के भी हुआ करते थे। तो इन गुणों को यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कम ज़्यादा आप इनमें पाएंगे। उतना समय नहीं है वरना अपन इस पर भी थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते। तो ये था सूर्य से शासित व्यक्तियों से संबंधित बात। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। जो लोग इस अंक से संबंधित हैं, जो आपके दायरे में हैं, बिल्कुल आप देखिए कि उनकी पर्सनालिटी में ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा आती हैं कि नहीं आती हैं, इस तरह की उनकी पर्सनालिटी है कि नहीं है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट ग्रह की, अंक दो की, मूलांक दो की, और जिसका जो मूल ग्रह है वो है चंद्र, यानी कि चंद्रमा। तो जिन लोगों का मूलांक दो है वो अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। अगले वीडियो में आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी से संबंधित बात होगी। और जब बात सूर्य की चल रही थी तो मुझे ख्याल आया, किसी ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है कि सूर्य प्रधान व्यक्ति को भी ज़्यादा अहंकार लेना नहीं चाहिए। हालांकि ग्रहों में उसकी स्थिति राजा की बताई गई है, लेना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि किसी ने कहा है शायर ने कि क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। तो सूरज कितना भी चढ़े उसको कभी ना कभी ढलना ही पड़ता है, रात का गहरा अंधेरा उसको निगल ही जाता है। तो इसलिए कहा गया कि क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। और शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, अच्छा होना ही बुरी बात है इस दुनिया में। तो अच्छा होना ही सबसे बुरी बात होती है, कांटे को कोई नहीं छेड़ता, फूल को हर कोई मसलने की कोशिश करता है, मसल भी देता है। यहाँ इन दो फैक्टरों में को यदि आप चिंतन करें तो एक बात और भी जो मैंने पहले कहा था कि अन्य ग्रहों का कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ एक चीज़ से कुछ नहीं होता है। सूर्य ग्रह होने के बाद इंदिरा गांधी जो थी इन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंची, और इसी ग्रह से संबंधित होने के बाद भगत सिंह जो है वो फांसी के तख्ते तक पहुंचे, प्रसिद्धि ख्याति दोनों ने खूब प्राप्त की। हालांकि इंदिरा गांधी का अंत भी जो था ये कुछ इसी तरह से हुआ था, लेकिन ये कोई चीज नहीं है कि सबका ऐसा ही होना है, मैं सिर्फ एक पर्सनालिटी की यहां पर बात कर रहा था। और फिर अब अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।